वन वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? सब मुझसे शेयर करना। अभी मैं कॉन्टिन्यूसली 2-3 घंटों से यहीं पर बैठी हूँ, लैपटॉप सामने रखा है, यहाँ पर मैं काम कर रही थी तो सोचा अभी बात करती हूँ आपसे। शाम का 6 बज गया है और बेटू और मम्मी गए हैं नीचे वॉक करने के लिए। मैंने मम्मी बोल रही चलो कि मैंने कहा मुझे इतनी तेज वाली ठंडक लग रही थी, मैंने ना काफी देर से ये सॉक्स डाल के रखे हुए थे। तरीके के सॉक्स पहनने में अच्छे लगते हैं ना, थोड़े से पुराने हो गए बट प्रिंट इनकी मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। पहले मैंने लखनऊ से लिए थे, इसी तरीके के चलते थे ना। मैंने लगी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, मैंने वाली कुर्ती निकाल ली है। ये वाली कुर्ती पहनी थी मैंने लास्ट ईयर, शायद फर्स्ट टाइम मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पहनी थी। आप लोगों ने अगर मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा है लास्ट ईयर वाला तो देख लीजिएगा, और इस बार भी आने वाला है। सच में बर्थडे के नाम पे ना मैं एकदम बच्ची बन जाती हूँ, मुझे बहुत शौक है बर्थडे का। बहुत अभी से नहीं, शुरू से मुझे बहुत शौक है बर्थडे का, बर्थडे मनाने का, बर्थडे सेलिब्रेट करने का। अक्टूबर से, हाँ 19 अक्टूबर आई नहीं, 19 अक्टूबर से मैं सोचने लगती थी। एग्जैक्ट 2 महीने बचे हैं, 19 नवंबर फिर 19 दिसंबर, ऐसे करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। कौन कौन अपने बर्थडे का बेसब्री से वेट करता है मुझसे बताना, और जब इनका बर्थडे आने वाला होता है तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों हैं, कॉल करूँ पूछूँ कितनी देर में आएंगे, वैसे भी जितनी देर बोलते हो उतनी देर में आते कहाँ, बट फिर भी मैं इनसे पूछ लेती हूँ कितना काम रह गया कितना नहीं। चलिए चलते हैं किचन में, मिलते हैं आपसे किचन में, तब तक मम्मी भी आ जाएंगी, खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जल्दी से कर लूँ ना, आराम रहता है थोड़ा सा। एक तो सर्दियों में दिन कैसे जाता है पता ही नहीं चलता, बहुत छोटा दिन लगने लगता है, पूरा दिन कम पड़ जाता है काम के लिए, पूरा दिन सांस लेने की मुझे फुर्सत नहीं मिली। एडिटिंग, वीडियो, ये सारी चीज़ें, घर के काम करते करते पता नहीं पूरा दिन कहाँ से निकल जाता है। सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि बहुत छोटे छोटे दिन होने लगे हैं अभी से, ये हाल है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का रेस्ट हो गया, अब चलते हैं किचन में प्रिपरेशन करते हैं। तब तक थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएंगी। मेरे बाल थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं ना पहले से, बिल्कुल थोड़े थोड़े बढ़ गए, जैसे लॉन्ग बॉब कट लिए थे ना, हाँ वैसे हो गए जैसे लॉन्ग बॉब कट लिए थे। देखते हैं खोल के, काफ़ी देर से खोले नहीं मैंने, देखिए पता है कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट बॉब कट की, बट इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि नहीं, इनको लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे, बट मैंने अपने एक बार शौक के लिए, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, मुझे कटवाने दिए कि हाँ नहीं कटवाओगी ये वो फलाना ढिमकाना, तो ऐसे कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कभी लगाती। अभी भी मैं चाहूँ तो कटवा सकती हूँ बॉब कट, बट मैं इनका मन से बात करने लगी, टाइम का पता नहीं चला, फिर मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ सबसे पहले खोया। और खोए का मैं क्या बनाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग या उससे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी कि मैं इसका क्या बनाऊंगी। मैं ज़्यादातर खोया घर पर ही बना लेती हूँ, मार्केट से नहीं लेकर के आती हूँ। और आप लोगों के साथ शायद एक बार मैंने शेयर भी किया है कि खोया कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो भी दूध है 2 पैकेट 3 पैकेट उसको कढ़ाई में कर लिया है और खोए को लगातार चलाना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं चलाया 5 मिनट तो ये जो किनारी है कितना लग गया है। अब मैं एक कच्छुल की हेल्प से इसको खरोच खरोच के छुटा लूंगी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, खोया खोलता रहता है और आधा खोया तो किनारे पर ही जम जाता है। तो आप ये इस बात का ध्यान रखना, खोए को चलाते रहें। और कुछ लोग कहते हैं कि खोया बनाने में बहुत झंझट है, बहुत मेहनत है, तो इतना कौन वो करेगा, बट हाँ ऐसा हो सकता है। पर आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ और भी काम कर रही हूँ और एक तरफ मेरा खोया भी बन रहा है। तो इस तरीके से 2-3 काम साथ में करेंगे और एक तरफ खोया चढ़ा देंगे तो कब आपका खोया बन करके रेडी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। गैस को मीडियम स्लो पर रखिए और बीच बीच में चलाते रहिए। तो जब भी आप किचन में कोई काम करने आए, खाना बनाने आए, उस टाइम खोया चढ़ा दीजिए, आपका खोया कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, बात बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप करिएगा। तो यहाँ पर खोया बन रहा है और आज मैं डिनर में बनाऊंगी बैगन का भरता। उसके लिए मैंने बैगन कट कर लिए हैं। मैं बैगन को मतलब भून करके नहीं, जैसे बनता है गैस पे उस तरीके से नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे कीड़ों का बहुत डर रहता है और मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इस वजह से मैं कट कर लेती हूँ 4-4 पीसेस में और बस उसको कुकर में डाल करके बॉयल कर लेती हूँ। कुकर में 2 सीटी में बॉयल हो जाता है, मीडियम गैस करके चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 बड़े चम्मच करीब पानी डालती हूँ, कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है इसमें। गैस को तेज मत करिएगा वरना बैगन सारे जल जाएंगे। एकदम स्लो या मीडियम गैस पर इसको करिएगा, 2 सीटी आ जाए बंद कर दीजिएगा। बैगन हो गया, पालक हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं बॉयल होने में। खोया भी मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, उधर मेरे बैगन भी तब तक बॉयल हो जाएंगे। एक्चुअली आज मैं बैगन का भरता बनाने जा रही हूँ डिनर में। तो ये देखिए मेरा खोया बन करके रेडी हो गया है।
पूरी तरीके से, कितना अच्छा बन करके आया है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, घर का प्योर एकदम शुद्ध खोया। तो बस खोया बन गया है। अब मैं यहाँ पर जो बैंगन है उनको, बॉयल हो गए थे मेरे, मैंने इनको ठंडे भी कर लिया, काफ़ी देर से रखे थे, तो अब मैं इनका जो छिलका है वो हटा लूँगी। आप चाहें तो बैंगन छील करके भी डाल सकते हैं, मैंने अभी तक छील करके ट्राई नहीं किया है, हो सकता है कि आपको ये छिलका ना निकालना पड़े, क्योंकि मुझे किसी ने शेयर किया था कि आप छील कर डालो, तो मैं, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, जब मैं छिलका निकाल रही थी ना तब मुझे ध्यान आया कि किसी ने कहा था छील करके डालो, तो मैं भूल गई, आई एम सॉरी। का छिलका निकाल रही हूँ, और ये बैंगन का भरता मैं बदरपुर में डेली ऑलमोस्ट बनाती थी, और सबसे पहली बार भरता मैंने शादी के बाद यहीं दिल्ली आकर के ही बनाया था, मैंने उससे पहले कभी पूरी लाइफ में भरता नहीं बनाया था, तो अक्सर बनाया, फिर एक बार बनाया जैसे अच्छा लग गया, इन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे बनता है, तो मैंने उस तरीके से बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में। तो मैं अक्सर बैंगन का भरता और पराठे ये सारी चीज़ें बनाती रहती थी, गर्मी होती थी तो रायता बना लेती थी खीरे का, बहुत अच्छा लगता था खाने में। तो अगर आप लोग भी भून करके नहीं खाना चाहते हो या फिर एक और ऑप्शन चाहिए तो इस तरीके से काट करके बॉयल करके भी आप बना सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैं इसको मैशर की हेल्प से मैश भी कर लूँगी पूरा, इसको भरता ही बनाना है तो फिर नाम ही भरता है तो पूरा मैं इसका भरता बना डालूंगी। जो भी लोग हैं जो मेरी तरह भून करके खाने में डरते हैं या जो भी है तो इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ, बट इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है, इसको फ्राई बहुत करना पड़ता है क्योंकि फिर इसमें वो टेस्ट नहीं आता है ना, इस वजह से कोई कहेगा कि ये अच्छा नहीं बनता है तो नहीं, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा यमी बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार ट्राई करके देखना। नया कढ़ाई चढ़ा दी है बैंगन का भरता के लिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जब तक इसका पानी सूख रहा है तब तक मैं दूसरी गैस पर थोड़ी सी जो मैंने मटर छील करके रखी हुई है, फ्रेश मटर है, सफल मटर नहीं है, तो इनको मैं बॉयल कर लूँगी पानी डाल करके, तो बॉयल होती रहेगी जब तक मैं भरते बनाऊँगी, आधा बन जाएगा तब तक बॉयल हो जाएगी, क्योंकि मटर वैसे भी मैं लास्ट में डालूँगी, पहले नहीं डालूँगी। और इधर जो मेरी सारी चॉपिंग है, प्रिपरेशन है, वो भी हो गई है, टमाटर प्याज धनिया वो सारी चीज़ें भी मैंने काट ली थी। और अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा डालूँगी सरसों का तेल, मैं इसको सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप नॉर्मल ऑयल में बना सकते हैं, बट सरसों के तेल में और अच्छा बनता है और लगता है अच्छा खाने में। तो तेल गरम होते ही मैं इसमें हींग जीरा डाल दूंगी, उसके बाद जो मैं बारीक कटा हुआ प्याज है वो डाल दूंगी। मैंने प्याज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सा लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, अच्छा लगता है ज़्यादा सा प्याज डाल करके खाने में। तो प्याज फ्राई हो जाएगा, इसके बाद मैं ऊपर से नॉर्मल मसाले डालूंगी जैसे हल्दी मिर्चा धनिया पाउडर सब्जी मसाला, ये सारे मसाले हैं, मैंने गैस को एकदम स्लो करके रखा हुआ है ताकि मसाले जले ना, ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने जो टमाटर काट करके रखे हैं वो डाल दूंगी, इनको चलाऊंगी, ऊपर से डालूंगी नमक ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल दी है मैंने ऊपर से, वो तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कितना स्पाइसी रखना है आपको। और बस इसको 5 मिनट ढक करके पका लूंगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उधर देखिए इतनी जल्दी मेरी मटर भी बॉयल हो चुकी है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें। अब मैंने जो इसमें भरता मैश किया हुआ रखा है वो डाल दूंगी, देखिए कितना ज़्यादा इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी से बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, स्पेशली सर्दियों में तो कहने ही क्या, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ या रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, बट हम लोगों को रोटी के साथ पसंद नहीं है, पराठे पूड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करिएगा। बाद इसको चलाना है अच्छे से 15 मिनट तो मिनिमम चलाना ही है, वरना आप 20 मिनट भी चला सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से 15 मिनट तक चलाऊंगी और ऊपर से नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसको 15 मिनट तक चलाती रहूंगी ताकि अच्छे से भुन जाए, और गैस को मैंने एकदम फुल फ्लेम कर रखा है, तेज आंच करके ही इसको चलाना है ताकि इसका सारा भी जो पानी है, पानी पनसा है, वो मर जाए एकदम। हो चुके हैं और भरता एकदम कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो कितना अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें जो मटर है बॉयल वो डाल दूंगी, 2-4 दाने मैंने अलग निकाल लिए थे, सादे मुझे खाने में अच्छे लगते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको चलाती रहूंगी, पहले चला लेती तो मटर इसमें भरता हो जाती, मिक्स हो जाती, बट मुझे मटर के दाने खाने में अच्छे लगते हैं इस वजह से मैंने इसको साथ में नहीं डाला। तो बस इसको मिला दूंगी ताकि मटर में मसाले एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद ऊपर से डालूंगी खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया सर्दियों में जितना डालो उतना ही कम लगता है और टेस्ट भी बढ़ाता है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, एक फ्रेशनेस सी आ जाती है हर किसी खाने में। तो बस मेरा भरता बन करके रेडी है,
आपको कैसा लगा मुझसे शेयर करना। मैंने इसके साथ सेके थे पराठे और ये बना है मेरा आज का डिनर। रायता नहीं बनाया था मैंने, तो इसके साथ रायता अचार जो भी मन है सैलेड उसके साथ इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके का लंच डिनर और जल्दी से बन भी जाता है। थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो एक लाइक दे दीजिएगा। बन हो गया मेरा डिनर। मैंने इस स्टॉल के बारे में आपको बताया था जब मैं वहाँ पहले वाले मकान में रहती थी ना, तब भी बताया, दो तीन बार बता चुकी हूँ, बट आज भी बताऊँगी क्योंकि जो लोग मुझसे नए जुड़े उन्होंने तो शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा ना। तो ये स्टॉल है मेरा 2009 या 2010 का स्टॉल है ये। मैं जॉब करती थी तब लेकर के जाती थी डेली इसी तरीके से, एक ये और एक जो मैं पहले के वीडियो में मैंने ओढ़ के रखा हुआ है। ये दोनों स्टॉल मैंने एक साथ ही परचेज किए थे, एक लेने गई थी, दो पसंद आ गए थे तो आउट ऑफ बजट जा करके थोड़ा सा मैंने लिए थे, क्योंकि उसके दो तीन दिन पहले ही मुझे सैलरी मिली थी ऑफिस से, तो मैंने कहा था एक स्टॉल लेकर के आती हूँ, मुझे दो पसंद आ गए तो फिर मैं दो ले आई थी। अच्छा लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि एक से फिर काम नहीं चलता, एक ही एक हमेशा लेना रहता, दो से ये था हाँ चेंज कर करके कर करके, तो मैंने अभी तक इनको संभाल के रखा हुआ है। इनसे मेरी बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इन स्टॉल का ये लगता है, ये देखिए। इसके बाद भी काफ़ी आए इस तरीके के और फैशन आया चला गया, कितने बार मतलब कितने बार मैंने लोगों को ओढ़े हुए देखा है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना, मैंने लखनऊ से परचेज किया था अपने वहीं पर राजाजीपुरम से, इसकी जो क्वालिटी है और इसमें ये जो क्या बोलो इनको पॉम पॉम बोल लो, ये जो लगे हैं ये बहुत ही प्यारे हैं। सॉरी अभी तक निकले नहीं, खराब नहीं हुए और ऑब्वियसली मैं अच्छे से केयर करके रख भी रही हूँ। जितनी अच्छे से चीज़ों की केयर कर लो उतने दिन तक चल जाती हैं, तो यही है। कभी कभी मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं ना, ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि ऐसे मैं डेली ऑफिस जाती थी, सुबह जल्दी उठना, कड़ाके की ठंड में भी जाना, सर्दियाँ आती हैं तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आती हैं कि कैसे मैं ऑटो में बैठ के, ऑटो के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लौटते पर ऑटो ही नहीं मिलते थे कई बार, मुझे कई सालों तक चारबाग जाना रहता था और कई सालों तक उससे पहले मैंने आलमबाग में जॉब की थी तो आलमबाग जाना रहता था, तो जाने के तो मिल जाते थे, आने के ऑटो नहीं मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, कहते ना पुरानी चीज़ों को देखो तो एकदम से यादें ताज़ा हो जाती हैं, ऐसे लगता है अभी मतलब कितना वक्त बीत गया ना, बेटू भी 4 साल के हो गए, कितना वक्त बीत गया, मतलब सच में यकीन ही नहीं होता। चीज़ें देखिए वैसी की वैसी, ये तो अच्छा निकला, अभी इसका कलर वगैरह भी फेड नहीं हुआ, बहुत अच्छा निकला। और जैसे मैं ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ना कि हाँ मैंने ये स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल किया है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग इतने वाहियात कमेंट क्यों करने लगते हैं। मतलब मैं कोई गलती करती हूँ, मुझे तो इतनी सी भी मुझे हिचक नहीं, मुझे शर्म नहीं, कहने मैं मुझे बहुत प्राउड है, क्योंकि सारी दुनिया ही अरबपति खरबपति नहीं है ना, काफ़ी सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने भी किया है, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि फटीचरों वाली ज़िंदगी जी रही थी, फटीचरों वाली ये कर रही थी वो कर रही थी, तो मैं काफ़ी सारे कमेंट ऐसे भी सुनती हूँ। तो आज मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं बता रही हूँ ना मैंने स्ट्रगल किया ये किया वो किया, तो कुछ लोग आ जाते बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सच में मैं आपको क्या बताऊँ, हालाँकि उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर क्या सोचे उन लोगों की। अच्छा आप में से कुछ लोग बता दो फटीचर मतलब क्या, फटीचर का मीनिंग क्या, क्या मतलब रखते हो आप फटीचर से, फटीचरों वाली ज़िंदगी क्या, आप थे मेरे साथ, आप रह रहे थे वहाँ पे, देख रहे थे मैं कैसे रह रही क्या कर रही, आप लोग रह रहे थे मेरे साथ। फटीचर क्या होता है पता है आपको, फटीचर क्या होता है, फटीचर की परिभाषा मुझे लिख करके बता देना जो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, सच में हद हो गई। और आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग इस तरीके के गंदे कमेंट करोगे तो मुझे डीमोटिवेट कर लोगे या मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा या क्या, सच में कुछ भी नहीं होता है, आपकी मेंटालिटी पता चलती है और मुझे अब तो गुस्सा भी नहीं आता, मुझे तो हंसी आती है। आप लोग कितने ज़्यादा सच में फ्रस्ट्रेटेड हो क्या अपनी लाइफ से, फ्रस्ट्रेटेड हो। और रही बात अचानक पैसा क्या मिल गया, अचानक पैसा मिल गया, सच में मुझे तो ये लगता है मैं इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी यूट्यूबर हूँ जिसको सबसे ज़्यादा पैसों के ऊपर कमेंट आए हैं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो ऐसे फील होता है। हालांकि मैं ये बोल नहीं रही हूँ, कंफर्म नहीं है, पर मैं अपनी फीलिंग आपको बता रही हूँ कि देखिए मैंने किस हद तक कमेंट बर्दाश्त की। अचानक पैसा मिल गया तुझे, क्या मतलब क्या क्या बकवास लिखते हैं, इससे मतलब आपको पता नहीं लग पाता, आप कमेंट जो करते हो ना आपको पता नहीं लग पाता कि आप खुद फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो। एक टाइम आते आते मैंने सोचा चलो आज बात की बात निकली है तो चलो मैं पूरी बात क्लियर कर ही देती हूँ, आज अचानक पैसा मिल गया, चलो आज बता ही दो कहाँ से मुझे अचानक पैसा मिला,
आप दे करके गए अचानक पैसा, या कोई अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गया अचानक से आया धरती पर, अवतार लिया उसने, लो दिव्या मैडम ये करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी अचानक से, या मैं सड़क पे जा रही थी अचानक से मुझे नोटों का बंडल मिल गया, नोटों से भरा बैग मिल गया, क्या अचानक से? मुझे दो चीज़ की परिभाषा आज समझाई देना कुछ लोग जो कुछ महान लोग हैं। एक तो फटीचर का मतलब क्या होता है, आप रह रहे थे मेरे साथ, और दूसरा अचानक से, या आप खुद मेरे नाम प्रॉपर्टी लिख करके गए, अचानक से आप एक दिन आए मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर गए तो मुझे पैसा मिल गया। अब समझ आई बात? मतलब बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो यार, क्यों अपनी धज्जियाँ और बातें हो फालतू में, क्यों अपनी धज्जियाँ और बातें हो? मतलब सीरियसली लोग कितना आप लोगों को गलत गलत बोलते हैं। मैं एक गलत कमेंट के बारे में बोलती हूँ, आप लोगों को मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, कितना आप लोगों को उल्टा सीधा बोल करके जाते, तो आपको पढ़ने में मज़ा आती है क्या कि हाँ कब दिव्या मेरा बैड कमेंट पढ़े और कब मुझे गालियाँ पड़े? आपको मज़ा आती है क्या हज़ारों लोगों से लताड़ खाने में? अच्छा लगता है आपको? आदत पड़ गई है क्या बार बार? प्लीज़ यार, मुझे नहीं किसी को भी ऐसे मत बोला करो, अचानक से कुछ भी नहीं होता है, और इसका मुझे आप लोगों, आप जैसों को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, अचानक से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? बच्चा भी धीरे धीरे करके बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। पर पता नहीं मैं ये बात कहाँ से करने लगी, मैं खुद ही नहीं सोच रही हूँ, इस ट्रोल से बात निकली उसकी बात नहीं, क्योंकि आज भी 100% आज भी कमेंट आते बकवास, क्योंकि जहाँ मैं स्ट्रगल बोल देती हूँ, मुझे तो ये लगता है स्ट्रगल बोलना, मतलब मैंने पाप कर दिया स्ट्रगल बोल के। आप लोग जितनी भी बकवास करो, मैं तो बताऊंगी, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ, प्यारे प्यारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मुझे जो शेयर करना होगा मैं करूंगी। आप लोग कितनी भी बकवास कर लो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ उससे, मैं डीमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। इस आप लोग जब शर्मिंदा नहीं हो रहे हो गंद फैला करके, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, मैं तो कुछ गलत कर भी नहीं रही हूँ, मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? होते हो टॉर्चर अपने घर में, होते रहो मेरी शक्ल देख देख के, इतना अगर टॉर्चर होते हो तो होते रहो अपने घर में, पर फालतू के कमेंट मत किया करो। ब्लॉक कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, कोई फ़ायदा उन चीज़ का नहीं बनना है, बट क्लियरिफिकेशन देखना देना ज़रूरी है। डेली डेली देखते हो अपना खून जलाते हो, तो मैंने कहा चलो आज क्लियर कर देती हूँ। अगर पता हो तो उसकी मुझे परिभाषा बता देना कि फटीचर की परिभाषा क्या होती है और अचानक पैसे कैसे मिलते हैं, उन दोनों की परिभाषा खुद समझ लो तो मुझे भी समझा देना। चलिए, हे भगवान, सच में ये लोग ऐसी गहराई होते हैं, कहते नहीं एक गंदगी गंदा दलदल, इसमें एक बार पैर गया धस्ता चला जाता है, आप आउट ऑफ कंट्रोल, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे जब मैं ऐसे किसी के बारे में बात करती रहती हूँ तो करती रहती हूँ, पता भी नहीं चलता है कहाँ से बात निकली, बात की बात निकली। बस लास्ट में मेरा यही एक मैसेज है, किसी को भी बैड कमेंट मत करो, अपनी ज़िंदगी जियो मजे से, खुश हो तो खुशी खुशी दूसरों के वीडियो देखो, खुश रहो, इन्जॉय करो जैसे हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बेचारे परेशान हैं अपने जीवन से, क्या किया जाए, भरोसा रखो सब सही हो जाएगा, परेशान मत हो। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने, इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, बातें बहुत हो गई आई थिंक। और आज का ब्लॉग कैसा लगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा इसे एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय एंड लव यू सो मच। जो लोग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको दिल से थैंक यू, दिल से लव यू।